कहे का मतलब ये वो गाना रहे सेंट के सीसी, वो गाना बहुत पहले हम मैंने गा भी दिल रही, शूटिंग भी हो गए रहे, तो के देले रहे गाना ही बेदर्दी जी लिखे थे। कृष्णा बेदर्दी। हाँ, तो बहुत प्यार से हम लोगों ने उस गाने को गाया और मैंने बढ़िया सा उम्मीद रखा था उस गाने से, तो मेरी आवाज़ हटा करके गवा दिया गया। मतलब गाना वही, गायक बदल गया। गायक कौन बदल गया बता दीजिए। अब मैंने खेसारी भाई से गवा दिए। नथी आ उधार लेके अइल भतार, सुन टोक तारो जो सुनार, अरे जाहु हम जनती तना के न लगई ती, फिर अति जाई के बाजार, हे राजा हो भले रहित नकिया उघार, बेवफा तुहरे चलते, बेवफा तुहरे चलते प्यार में बदनाम हो गईनी। क्या बात है, प्यार में बदनाम हो गईनी। जो बोल रहे हैं उनकी भरम है, मेरी औकात खुद खेसारी से पूछ लेना चाहिए। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं और आप देख रहे हैं अपना उड़। मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, आप इन्हें भोजपुरी के जाने माने गायक युवा कलाकार दीपक दिलदार के नाम से जानते हैं। मेरे साथ बैठे हैं, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, खास बातचीत करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज बहुत अहम सवाल जो आप लोग चाहते थे जिसका जवाब दीपक दिलदार दें, उन सवालों के जवाब लेने आ चुके हैं। मेरे साथ बैठे हैं दीपक दिलदार जी, आज इनसे खास बातचीत करते हैं। दीपक जी स्वागत है। सबसे पहले ये अपना बूड में जितना लोग देखा था सबके प्रणाम बा, नमस्कार बा, आप सब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। का हाल बा दीपक जी, घरी बड़ा माहौल गरमौले बनी, का कुछ हो रहा बा? माहौल का अब हमेशा ऐसे ही होत जात रहेला, अपन आदमी गावत बजावत रहेला। गायकी तो ठीक बा, बड़ा घड़ी गरम गरम इंटरव्यू दे रहा बानी, मामला का हो गई बा, पूरा माहौले गरमा दिले बानी भोजपुरी इंडस्ट्री के, केहू पर इल्जाम लगाओ तनी, केहू के कुछ कहो तनी, का हो गई बा? दीपक दिलदार ठीक तो बड़े नू? एकदम बिल्कुल ठीक बनी, इल्जाम नहीं लगाओ तो अपन बात अपना चाहे वाला जाने वाला श्रोता समाज बनी, जरा माध्यम से आज हम जौन भी बनी यहीं लोग के देन बात, तो यहाँ लोग के बीच में हम अपन बात रखी ले, ऐसा कौन हमके ऊपर इल्जाम नहीं लगाओ। इल्जाम नहीं लगाओ तो खेसारी लाल यादव के टीम से गर्मे रहते नहीं, नाराजे रहते नहीं? ना बिल्कुल नहीं के हम नाराज है, गर्म टीम नहीं, ऐसा कौन बात नहीं के, गाना गुनी के कुछ लेकर के कुछ हो गए। का हो गई बात नहीं, हमनियों के चैनल पर बता दी पूरा मामला का। मामला कुछ नहीं के, जैसे कहे का मतलब ये वो गाना रहे सेंट के सीसी, वो गाना बहुत पहले हम मैंने गा भी दिल रही, शूटिंग भी हो गए रहे, तो के देले रहे गाना ही बेदर्दी जी लिखे थे, कृष्णा बेदर्दी। हाँ, मेरे जीवन में बहुत सारे गाने लिखे वो, और बहुत सारा हिट रहा और लगातार बना रहे, तो बहुत प्यार से हम लोगों ने उस गाने को गाया और मैंने बढ़िया सा उम्मीद रखा था उस गाने से, और शूटिंग भी कर रखा था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं। वीडियो भी शूट हो गया? बिल्कुल, फाइनल वीडियो हो गया था किशन जी, सब मेरे क्लिप, मेरे पास क्लिप भी था, मैंने शेयर भी किया था, आपने देखा होगा, पवन पाल थे वो उसमें शूटिंग किए थे, तो ऐसे ही बात है सब। मैंने समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों केवल मेरी आवाज़ हटा करके गवा दिया गया। मतलब गाना वही, गायक बदल गया। गायक कौन बदल गया बता दीजिए। अब मैंने खेसारी भाई से गवा दिए। तो नाराजगी गीतकार से है कि खेसारी जी से? मैं अब क्या कहूँ, खेसारी जी से नाराजगी तो कभी नहीं रही, वो हमारे भी भाई रहे हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, हम लोगों ने गाया था साथ में गाने बजाने, तो ऐसा कुछ नहीं है वो, और पता नहीं मैं कोई उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। खेसारी जी के टीम के एक आदमी लाइव आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, कह रहे थे कि जिसकी कोई औकात नहीं है वो भी खेसारी को कुछ भी बोल देता है, दीपक दिलदार की क्या औकात है? वो जो बोल रहे हैं उनकी भरम है, मेरी औकात खुद खेसारी जी से पूछ लेना चाहिए। हारमोनियम छू के बोल रहा हूँ, औकात की बात नहीं है, संगीत है, इसमें कोई औकात नहीं होता है, संगीत एक साधना है। मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आप लोग आज हाँ हाँ कर रहे हैं, खेसारी जी से मेरे बारे में पूछिएगा लोग कि हम लोग दिन कितने वक्त और कितने मेहनत किए हैं, कैसेट मुड़ी पर पोस्टर जब आज न आऊँगा कोई लेवल लो, एगो वक्त रहे कि एक कान्हा पर 2000 पोस्टर लदाओ, 1000 कैसेट लदाओ, मार्केट में घूमल जाओ। मतलब खेसारी जी भी घूमते थे दीपक दिल्ला? बिल्कुल, साथ में हम लोग स्ट्रगल किए हैं और साथ में गाए हैं 3500 में, 3000 में, 4000 में, दुगोला गाए हैं, कॉम्पटिशन गाए हैं, हमें वो लोग बोल ही नहीं सकते हैं औकात की बात। मतलब जो लोग अगर कहते हैं कि कहीं इशारा अगर दीपक दिलदार के तरफ हो तो वो जो लोग बोल रहे होंगे वो दीपक दिलदार से पहले गुजर चुके होंगे। हाँ, सच्चाई है। मतलब गाना चोरी वाला व्यवस्था ही कब खत्म होगा? दीपक दिलदार क्या कुछ करेंगे इन सब चीजों का?
देखिए ये तो होता ही रहा है मेरे साथ, बहुत सब होता रहता है। हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ना खेसारी जी को दोषी ठहरा रहा हूँ, ना बेदर्दी जी को भी दोषी ठहरा रहा हूँ। इनको बेदर्दी जी को लगा होगा कि खेसारी गाएंगे तो सुपर डुपर ब्लॉक ब्लास्टर हो जाए, दीपक दिलदार गाएंगे तो हिट नहीं होगा, यानी दीपक दिलदारी कोई औकात नहीं है। औकात की बात वो नहीं रही, उनके मन में ये लगा होगा। तो उनके नज़र में दीपक दिलदार कलाकार नहीं है? हाँ, तो वही समझिए, उनको लगा होगा कि दिए खेसारी गाएंगे तो ब्लॉक ब्लास्टर होगा और दीपक गाएंगे तो काज नहीं हिट होगा नहीं होगा। मन में तरह तरह की बातें होती हैं और सबकी इच्छा होती है कि मेरे गाने ब्लॉक ब्लास्टर हों, बड़े लेवल से लोग गाएं, हैं कलाकार गाएं। तो जब यही थी तो पहले ही गवा देना चाहिए था। रही बात दीपक दिलदार की औकात नहीं, तो आज भोजपुरी जहाँ तक देखा जाता है, भोजपुरी जहाँ तक सुना जाता है, वहाँ तक दीपक दिलदार का नाम लिया जाता है। और मैंने गलती से हिट नहीं दिया है, लगातार दिया है। आज रही बात तो रतिया कहाँ भी तोलो ना, बॉलीवुड जैसे फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में जा कर के बजा और जब तक मेरा एनओसी नहीं गया तब तक किशन जी पिक्चर रुका रहा। बॉलीवुड की फिल्म जी, निर्मात्री एकता कपूर, निर्देशक मोहित सूरी, चेतन भगत की कहानी थी, डुमराव के बाबू अपने अपने बक्सर के। तो कहने को तभी उतनी बड़ी पिक्चर में उतने बड़े डायरेक्टर उतने भी मेरे बिना एनओसी के 6 महीने तक पिक्चर हो गया। दीपक दिलदार की औकात है, 6 महीने तक वो पिक्चर रुकी रही। दीपक जी हिट तो आप देते रहते हैं, नया कुछ करते रहते हैं। सेंट का सीसी गाना आप पहले गाए थे, उसके बाद मान लीजिए कि आपके हिसाब से वो रिलीज नहीं हुआ, आपके माध्यम से नहीं हुआ, आपके आवाज़ में रिलीज नहीं हुआ, खेसारी जी गा दिए, चलिए पवन सिंह के भाई भी उसी गाना को गा दिए सेंट के सीसी, मिलता जुलता लगभग 99% पवन सिंह के भाई जो ऋतिक सिंह है वो भी गा दिए। इन लोगों में तो विवाद हुआ ही, लेकिन दीपक दिलदार क्यों बहुत ज़्यादा चुप रह गए, डरते हैं क्या खेसारी से? ऐसा कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि क्यों अब एक ही बात को मुद्दा बना करके मार्ची लाते रहें, नहीं समझ रहे हैं लोग, कहेंगे कि अपना माहौल बना रहा है, मतलब डरते नहीं? डरने क्या बात है, अपनी बात रखना है यार। हद हाल है, जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई। अगर आप कहीं और कुछ गा दिए होते तो खेसारी गाना होना भी डिलीट करा देते हैं, पता है? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, काहे ले डिलीट करेंगे, गाना और संगीत उनके घर के थोड़ी है। कृष्णा बेदर्दी जी तो पलटी मारते रहते हैं, प्रमोद प्रेमी के साथ पहले थे और पहले अब खेसारी जी के साथ हैं, दीपक दिलदार को भी लुभावन दे करके, प्रलोभन दे करके फिर गाना खेसारी जी को दे दिए, क्या कहेंगे ऐसे गीतकारों के लिए? क्या हम कहेंगे, उनकी मानसिकता, उनकी सोच विचार, उनकी मिजाज, मैं क्या कहूँगा। दीपक जी माहौल आपने गरमाया है इसलिए सवाल तो बनता है अभी, चलिए ये तो बातें हो गई, लेकिन एक चीज़ बताइए कि इन दिनों क्या कुछ नया कर रहे हैं आप, नया करने के लिए जाने जाते क्या हैं? नया सब तो हो ही रहा है संगीत में, भोजपुरी में नया क्या, वही चीज़ें होती है, लोग कहते हैं नया हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सब वही। अब देखिए ना, बहुत सारा गाना गाया मैंने, कोई ये मतलब नहीं निकला। अब देखिए गाना गाया हूँ म्यूजिक पे, ढोंड़ी पे खाता रहा, ढोंड़ी पर खतरा। हाँ बिल्कुल, आपने सही याद दिलाया, क्या क्या ऐसा स्थिति आ गया दीपक जी कि ढोंड़ी पर आपको भी गाना गाना पड़ गया? आप तो स्टेबल कलाकार हैं, ढोंड़ी वाला सब्जेक्ट आपके लिए जरूरी था क्या? ये तो बात आपका जायज है, लेकिन रीजन जानते हैं क्या है, जौन हवा बहे तौन बहवावे के पड़ेला, ना तो पछुआ के हवा बहुत पुरुआ को सोने कर सब गर्द देहे पे आ जाए, जौन सिचुएशन बा जौन माहौल बा तौन अनुसार हम कोई नहीं है, मतलब ढोंड़िए का माहौल है। अरे भाई तो मैं क्या करूँ, अब देखिए किशन जी ये गाना गाया था, किनथिया उधार लेके अइल भतार सुन टोकत रोज सोनार। देखिएगा गाने का बोल, आप कहते हैं ना गाया हूँ मैं, नथिया उधार लेके अइल भतार सुन टोकत रोज सोनार, अरे जाहू हम जनती तना के न लगती फिर अति जाई के बाजार, हे राजा हो भोले रहित न किया उघर। क्या बात है, अश्लील भी नहीं है और बढ़िया भी है। के गाना ही सुना ला रो, वो ना सुन ले हो के? ना हम भी नहीं सुने थे, बताई ऐसा ऐसा गाना गावल जाता कौन रिस्पॉन्स ना कुछ, मतलब अगर चर्चा में रहना है तो ढोंड़ी गाना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ढोंड़ी उड़ी कुछ नहीं, जो चीजें हम चाहेंगे कि जो यही गाना को प्यार मिलेगा तो लोग ढोंड़ी क्यों गाएंगे। दीपक जी आपका साइड सॉन्ग एक बड़ा हिट हुआ था, लोग बड़ा प्यार दिए थे, दो लाइन उसको रिपीट कर दिया जाए ताकि लोग फिर से उस चीज़ को याद करें कि दीपक दिलदार ने कौन कौन सा इतिहास रचा था भाई साहब। ये गाना था मेरा, बहुत बड़ा गाना था, जब भी मैं मंच पे गाता हूँ जाता हूँ तो लोग फरमाइश करते हैं किशन जी ये गाना, बेवफा तुहरे चलते, बेवफा तुहरे चलते
प्यार में बदनाम हो गई नी। क्या बात है, प्यार में बदनाम हो गई नी। ले ले लू चैन खुशिया, ले ले लू चैन खुशिया, हम तो नाकाम हो गई नी। हाय प्यार में बदनाम हो गई नी। हमरो विधाता दुगो दिल बनाईते, एगो से धोखा खैती, एगो से जियते। हमरो विधाता दुगो दिल बनाईते, एगो से धोखा खैती, एगो से जियते। ले ले लू चैन खुशिया, ले ले लू चैन खुशिया, हम तो नाकाम हो गई। हाय प्यार में बदनाम हो गई, लूट गई हम तुम्हारा एक मुस्कान पे, अगिया लगा दिहल सारा यार मान पे। लूट गई हम तुम्हारा एक मुस्कान पे, अगिया लगा दिहल सारा यार मान पे। दीपक दिलदार छुपावे, दीपक दिलदार छुपावे, फिर भी सरेआम हो गईनी। हाय प्यार में बदनाम हो गईनी। दीपक जी, इस गाने को लिखा कौन था? बेदर्दी जी लिखे थे, कृष्णा बेदर्दी जी। आपने इतना शानदार गाना दिया था और उस गाने के आप हकदार भी हैं, आपको शाबाशी है, लेकिन दीपक दिलदार की आवाज़ ने इतना गर्दा मचा दिया कि भाई साहब लोगों के दिलों पर अभी भी ये गाना चलता रहता है। लेकिन इस बार कृष्णा बेदर्दी जी गच्चा दे गए, क्या करिएगा, यही थोड़ी बात है, कुछ इमोशनल अटैचमेंट। अच्छा, ये भी तो हो सकता है दीपक जी की खेसारी जी को ऑलरेडी पता हो कि आपसे गवाया गया है, फिर भी खेसारी जी गा दिया। अब हम नहीं बोल सकते, हम क्या डरते हैं क्या खेसारी से? नहीं बोले, नहीं ऐसा कुछ नहीं, डरना क्या है इसमें, अब होगा अब उनकी मर्जी, लेकिन उम्मीद है ऐसा नहीं कर सकते हैं जब जान जाएंगे। लेकिन अक्सर गाना चोरी का इल्जाम तो लगता है, दढ़िया बढ़िया लगा था, ये सब गाने, करिया ड्रेस वाला, ये सब तो सब पे चोरी का इल्जाम लगा, फिर आपके गाने को भी तो चुराया जा सकता है। अरे अब छोड़िए ना दीपक जी, आप भागते हैं बहुत मीडिया से, बता दीजिए आज क्या बताना है। यदि जान जाएंगे लोग, उनकी मानसिकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कलाकार कोई जान जाए तो गाएगा, लेकिन भगवान जाने। कहीं ऐसा तो नहीं कि पवन जी आपको सपोर्ट करते हैं इसलिए आपके साथ ऐसा किया गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखिए कहे के मतलब है जी, हमारे के पवन भैया पूछ ही ले, बबुआ कह लें तो हमू भैया कह ले, जे हमारे के सम्मान दी, जे हमारे के प्यार दी, ओकरा खातिर हमेशा हम बानी। हाँ जी, अपने आप के समझत हो कि हम खूब बानी तो अपना खातिर हो के फर्क ना पड़े। कौन सा जबरदस्त गाना लेके आ रहे हैं जवाब देने के लिए? अब सब तैयारी होता, गाना लगातार सब बन रहा बाबू। रोमांटिक या सैड सॉन्ग? रोमांटिक, लव सॉन्ग सब आई, अभी सैडो सॉन्ग अवेलेबल बा, लेकिन अभी ये गाना चर्चा में बा। सुना दीजिए दो लाइन। किशन जी ये गाना गौनी है। दिली का मात हमर भतरावा, दिली का मात हमर भतरावा, भौजी रे ढूंढिए पे खतरावा, देवरा तो भइल छहतरावा, देवरा तो भइल छहतरावा, भौजी रे ढूंढिए पे खतरावा। दीपक जी ये ढोड़ी वाला आप छोड़ेंगे कि नहीं बताइए? अरे हम तो छोड़िए दिए हैं, लोग तरह तरह से तरह तरह का बात किए तो हम कहें कि खतरा दिख रहा है इस पे, अब ढोड़ी पे, इसलिए मैंने आगाह कर दिया कि ढोड़ी पे खतरा है।
दीपक जी अंत में चलते चलते एगो देवी भजन हो जाओ, ओकर बाद समापन कर ले। यो गाना गोल में तीते तीते निमिया गोछिया हर तीते पोतई फरवाए माई तब काहे निमिए तरवा अरे तब काहे निमिए तरवा अरे लावे लुदार बरवाए माई तब काहे निमिए तरवा हौ दीवाना मैया पचरा भजन के पुआ खालू लुचुई पियो पानी लहंग के फेरी दो नजरिया मैया हे दीपक उपरवाए माई तब काहे निमिए तरवा अरे तब काहे निमिए तरवा अरे लावे लुदार बरवाए माई तब काहे निमिए। अंत में जे भी दर्शक रहुआ के देख रहल बा वो दर्शक के वो श्रोता के दीपक दिलदार अपना शब्द में का कहें? दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करते नहीं आप सबके और प्यार स्नेह दुलार दीपक दिलदार पे सदा बनोले रखें। गाना हमारा होता हमरो दीपक दिलदार ऑफिशियल बॉय पर जुड़ जाएं आप सब दीपक दिलदार पेज पर सब पे आप सब जुड़ के हमारे नए अपडेट जानी है फिर से यू चैनल के अपना वुड के सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट्स करें जुड़े रही नया नया अपडेट हरेक कलाकार के इंटरव्यू और हरेक कलाकार के बात सुनने के मिली किशन जी के साथ। जय भोजपुरी जय मथाई वाली। ये थे दीपक दिलदार जी जो इन दिनों चारों तरफ भोजपुरी के इंडस्ट्री में भाई साहब भोजपुरी इंडस्ट्री में गर्मा गर्मी का माहौल बना दिए हैं। शानदार गाने लेकर आ रहे हैं और अपने हिट्स के लिए जाने जाते हैं। अगली वीडियो में कुछ और लेकर आएंगे और दीपक दिलदार से कभी और मुलाकात हुई तो कुछ और बेहतरीन आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।